नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कफ की कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जो कफ में काफ़ी इफेक्टिव है। चाहे आपको सूखी खांसी हो या एकदम हुफिंग कफ हो, आपको ऐंठन वाली खांसी हो या काली खांसी हो, कोई सी भी आपको खांसी की समस्या है, चाहे वो अभी कुछ दिनों से हो रही है या लंबे समय से आपको, चाहे क्रोनिक समस्या हो या आपको न्यूमोनाइटिस है, लंग्स में इन्फेक्शन है, टीबी है या कोरोना है, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है, तो इन सब समस्या में यह मेडिसिन काम करेगी। दोस्तों, मैं आज आपको 5 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा। आपको सिर्फ एक होम्योपैथी मेडिसिन लेना है जिससे आपके सिम्टम्स आपके लक्षण मैच करते हैं। इसमें सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन आती है रिमेक्स क्रिस्पस 30। दोस्तों, यह मेडिसिन आपको ऐसी कंडीशन में यूज करनी है जब आपको एकदम ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो, और खास करके आप एकदम ठंडे के एक्सपोजर में आए, एकदम ठंडक की वजह से आपको खांसी हुई हो या ठंडी हवा लग गई हो, उसके बाद आपको खांसी हुई है, आपको यहाँ गले में खराश सी रहती है और ये यहाँ पर सीने में जलन सी महसूस होती है, सुरसुराहट सी आवाज आती है, इन सब का समस्या में ये रूमेक्स क्रिस्पस 30 मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों, इसकी 3 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह तो 3 ड्रॉप, दोपहर में 3 ड्रॉप और शाम को 3 ड्रॉप, ऐसे रेगुलर आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक लेना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है अर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों, अर्सेनिक एल्बम 30 आपको ऐसी कंडीशन में लेना चाहिए जब आपको सिम्टम्स आ रहा है कि आपको काफ़ी बेचैनी रहती है, आपको प्यास भी काफ़ी लगती है लेकिन आप कह नहीं पाते हैं, और आपको दोस्तों हमेशा खांसी सी बनी रहती है, आपको जब भी खांसते तब सीने में दर्द सर महसूस होता है, तो ये जब समस्या आपको आती है तो आप अर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार आप रेगुलर यूज करें तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, थर्ड मेडिसिन की अगर बात करें, थर्ड मेडिसिन आती है रक्सटॉक्स 30। दोस्तों, रक्सटॉक्स ऐसी कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव होती है जब देखने को मिलता है कि रेनी सीजन, जैसे अभी बरसात का सीजन है, ऐसे सीजन में अगर आप पानी में भीग गए या थोड़ा बहुत भीगने की वजह से आपको सर्दी खांसी होने लग गई है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। इसकी भी 3-3 ड्रॉप में 3 बार रेगुलर यूज करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अब इसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ मेडिसिन है वो है एंटेमटार्ट। दोस्तों, एंटेमटार्ट ऐसी कंडीशन में आपको लेना है जब आपको बलगम सा म्यूकस जो होता है, बलगम अगर आपको जमा हुआ है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है, अंदर अंदर आप खांस रहे हैं, वो काफ़ी बलगम जमा हुआ है, आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, उसकी वजह से आपको सीने में भारीपन से लग रहा है, जलन सी महसूस हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप यह मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यह भी 3-3 बूंद दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिफ्थ और लास्ट मेडिसिन जो हमारी है वो है ब्रायोनिया 30। दोस्तों, ब्रायोनिया ऐसी कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव है जब आपको एकदम पेनफुल कफ हो, अब जब खांसी तो आपको काफ़ी दर्द होता हो एकदम, और एकदम सूखी खांसी आती है तो काफ़ी दर्द आपको महसूस होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, तो अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं, एकदम दर्द वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, जो मैंने कुछ 5 मेडिसिन बताई है, इसमें से सिर्फ आपको एक मेडिसिन यूज़ करना है जिसके आपके सिम्टम्स मिलते हैं, और अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो वो एक मेडिसिन को दोस्तों आप दिन में 3 बार यूज़ करें, 3 बूंद सुबह ले, 3 बूंद दोपहर ले, 3 बूंद शाम को ले, आप SBL या WSA कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता है या आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सिम्टम्स के हिसाब से हम मेडिसिन बताएंगे। इनमें से दोस्तों आपको अगर 2 मेडिसिन से सिम्टम मिल रहा है तो मैक्सिमम आप 2 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपस में 10 से 15 मिनट का अंतर रखें। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।